एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, उससे पहले एक फॉर्मूला को देख लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन का मतलब होता है जो जो भी टर्म निकालना है, एंथ टर्म, चाहे फिफ्थ टर्म हो, सिक्स टर्म हो, लास्ट टर्म हो, है ना, जो भी टर्म निकालना है उसको हम लोग ए एन लिखते हैं। इसको एल से भी डिनोट करते हैं, एल मतलब होता है लास्ट टर्म। तो ए का होता है फर्स्ट टर्म, जैसे हम लोग पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे। डी होता है कॉमन डिफरेंस और एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फिलअप करना है। इसमें ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है, डी का 3 दिया है और एन 8 दिया है। ए एन फाइंड करना है, तो ए एन इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया है, डी का 3 दिया है और एन का 8 दिया है। तो 8 माइनस वन 7 हो गया, 7 3 21 प्लस 7 28 आ जाएगा। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में फॉर्मूला जो था उसको लिख लेंगे। ए एन का वैल्यू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए का वैल्यू माइनस 18 दिया है, एन का 10 दिया है और डी का फाइंड करना है। तो माइनस 18 को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 18 होगा, 10 माइनस वन हो जाएगा 9d। अब 9d डी मल्टीप्लाई में है तो 9 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 9 2 18 होता है तो डी का वैल्यू आ गया 2। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन बन गया। थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में फिर से हम फॉर्मूला को लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और यहाँ पर ए एन का वैल्यू हमको पता है माइनस 5, ए का पता नहीं है, एन का पता है 18, माइनस वन तो फॉर्मूला में ही है और डी का वैल्यू है माइनस 3। माइनस 3 को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। तो सबसे पहले तो ये माइनस 5 जैसे वैसे रहेगा, ए ये हो जाएगा 18 माइनस वन 17, 17 इंटू माइनस 3। फिर आ गया माइनस 5 प्लस ए प्लस माइनस, माइनस होगा 17 3 51। अब माइनस 51 को अगर इस RHS में LHS में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर ए का वैल्यू हो गया 46, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है अभी, 1 का फोर्थ क्वेश्चन। पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 18.9 प्लस एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो एन माइनस वन का एज इट इज रख दिए, मल्टीप्लाई डी का वैल्यू दिया है 2.5 और ए एन का दिया है 3.6। तो सबसे पहले ये माइनस 18.9 को हम LHS में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9, यहाँ बचा एन माइनस वन मल्टीप्लाई 2.5। अब ये 18.9 और 3.6 प्लस हो जाएगा तो प्लस करेंगे तो आएगा 22.5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। अब ये 2.5 मल्टीप्लाई में है, LHS में आएगा तो डिवाइड होगा, 22.5 अपॉन 2.5। पॉइंट के बाद दोनों में वन वन डिजिट है तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जाए 25 9 जाएगा 225। यहाँ पे बचा एन माइनस वन। अब माइनस वन को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ 9 था, 1 इधर आ गया, इधर में n बचा तो n का वैल्यू हो गया 10। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं 1 का, फिर से फॉर्मूला को लिखेंगे। इसमें a n ही फाइंड करना है, a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर a का वैल्यू दिया है 3.5, n का वैल्यू दिया है 105 माइनस वन और d का वैल्यू दिया है 0। तो ये 3.5 104 इंटू 0, 3.5 104 से 0 करेंगे तो 0 आएगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर आएगा 3.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से है ये सब। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस। 30th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है 2 का फर्स्ट, 30th टर्म हमको फाइंड करना है, ठीक है। एपी क्या है, 10 7 4, फिर आगे बढ़ता जा रहा है इसका। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गया 10 और डी हो जाएगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 तो माइनस 3 हो जाएगा डी का वैल्यू।
तो हमको फाइंड करना है 30th टर्म, दैट मीन्स ए 30। तो यहाँ पे हम लिख रहे थे ए एन, तो ये फॉर्मूला था, ए 30 में आ जाएगा ए प्लस 30 माइनस 1 डी। यहाँ पर एन की जगह पे 30 है, तो यहाँ 30 माइनस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ए प्लस 29 डी। अब ए का वैल्यू पुट कर देंगे और डी का वैल्यू पुट कर देंगे। ए का दिया है 10 और डी का दिया है माइनस 3, 29 इंटू माइनस 3, तो 10 माइनस 87 आ जाएगा माइनस 77। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टू का सेकेंड, इसमें 11th टर्म फाइंड करना है और एपी दिया है माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 फिर 2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ए हो गया माइनस 3 और डी हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 से, माइनस 1 बाई 2 से माइनस 3 को माइनस करेंगे, माइनस माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 3, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 का 2, यहाँ 2 2 सेम है तो 2 1 जा 2 होता है, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे 1 2 जा 2 होता है तो 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस आया 5 बाई 2। हमको फाइंड करना है 11th टर्म, तो ए 11 इक्वल हो जाएगा ए प्लस 10 डी, जो भी टर्म फाइंड करना है उससे 1 यहाँ कम होता है, अगर 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना है, माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5 बाई 2, ये 2 से कटेगा, 5 5 5 जाए 25, 3 माइनस 3 प्लस 25 हो जाएगा 22। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड में फिलिप्स बनने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 दिया हुआ है, फिर बॉक्स है, फिर 26 है। तो यहाँ पर तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जब तीन टर्म रहता है तो दो तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम को 2 से डिवाइड करने से मिडिल टर्म आ जाता है, ठीक है। ए टू इक्वल टू होता है ए वन प्लस ए थ्री बाई 2, तो 2 प्लस 26 बाई 2 करेंगे तो 28 बाई 2 इक्वल टू 14। इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर ऐसे नहीं बनाना है तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी के फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है 26, फर्स्ट टर्म दिया है 2, एन दिया है 3 माइनस 1, डी पता नहीं है, 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 2 ये हो जाएगा 2d, 24 2d, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो डी का वैल्यू आ गया 12। अब फर्स्ट टर्म पता है तो सेकेंड टर्म क्या होता है, ए टू इक्वल होता है ए प्लस डी, दैट मीन्स 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट शॉर्टकट से इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का सेकंड, इसमें दो बॉक्स दिए हुए हैं, 13 देन अगेन बॉक्स देन 3। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म हमको पता नहीं है, लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट टर्म और इसको थर्ड टर्म मान लेते हैं तो यहाँ का टर्म क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम को 2 से डिवाइड करने से आ जाएगा, ठीक है। ये सपोज ये ए वन है, ये ए टू, ये ए थ्री, तो ए थ्री कितना हो जाएगा, 13 प्लस 3 बाई 2 मतलब 16 बाई 2 8 हो जाएगा। इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो 20 का टर्म आ जाएगा। अब जैसे ही हमारा यह टर्म पता चल गया है तो इस टर्म से इस टर्म को माइनस करने से d पता चलेगा, d इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस ए टू। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करने से, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करने से d फाइंड होता है, तो ए 3 है 8 और ये है 13, तो माइनस 5 हो गया डी का वैल्यू,
दैट मीन्स यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, ए वन हो जाएगा, सेकेंड टर्म से डी को माइनस कर दो, 13 माइनस माइनस 5, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, तो यहाँ का टर्म आएगा 18, ठीक है। तो एक आंसर हो जाएगा 18, दूसरा आंसर हो जाएगा 8, इस तरह से पाँच पाँच कम होता जा रहा है, 18 फिर 13 हुआ, 13 से फिर पाँच कम हो गया 8, 8 से फिर पाँच कम हो गया 3, तो इस तरह से चल रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का थर्ड, इसमें भी दो बॉक्स दिए हुए हैं, 5 और 9 बाई 9 होल नंबर 1/2, तो 9 होल नंबर 1/2 को हम लिख सकते हैं, 9 टू या 18 प्लस 1 19/2, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया, चार टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और n पता है, तो d पहले फाइंड करते हैं, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a n कितना है, ये a n मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हो गया 9 टू 18 प्लस 1 19/2, a कितना है 5, n कितना है, चार टर्म है, 1 2 3 4 4 माइनस 1 और d हमको पता नहीं है, तो पहले इस 5 को इधर LHS में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 3D, यहाँ पर LCM होगा 2, 19 माइनस 5 इक्वल टू 3D, ये हो गया 14/2 3D, ये हो गया 7, देयरफॉर D इक्वल टू हो गया 7/3, हाँ ये 5 2 10 होगा, यहाँ पे 19 माइनस 9 हो जाएगा, 19 माइनस 10 हो जाएगा 9/2 और ये आ जाएगा 9/2 इंटू 3 3 3 9, तो d का वैल्यू हो गया 3/2, जैसे d का वैल्यू पता चल गया तो अब हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, a2 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस d, a है 5 और d है 3/2, 5 2 10 प्लस 3 13/2, या 5 होल नंबर 3/2 भी लिख सकते हैं, फिर A3 हो जाएगा A प्लस 2D, 5 प्लस 2 इंटू 3/2, यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, तो 13/2 और 8 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में फोर्थ वाला भी बनाना है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी पहले डी को फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे फाइंड किया गया डी, और जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें उसको बता देते हैं, चलो फोर्थ और फिफ्थ दोनों बता देते हैं, थर्ड का फोर्थ, इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -4, है ना, -4, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, 1 2 3 4 चार बॉक्सेस हैं, और उसके बाद लास्ट टर्म दिया है 6, तो टोटल कितने टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो A6 यहाँ पे दिया हुआ है 6, लास्ट टर्म दिया है 6, तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D, A का वैल्यू दिया है -4, -4 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 D को हो जाएगा 10/5 2, अब डी का वैल्यू पता चल गया तो हम A2, A3, A4, A5 फाइंड कर सकते हैं, A2 हो जाएगा A प्लस D, -4 प्लस 2 -2, A3 हो जाएगा A प्लस 2D, -4 प्लस 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, A4 हो जाएगा A प्लस 3D -4, तो A का वैल्यू हो गया -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6 इक्वल टू 2, एंड A5 हो जाएगा A प्लस 4D, A का वैल्यू हो गया है -4,
प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू 4। तो इस तरह से चारों टर्म डिफाइंड करने तक आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पहला बॉक्स फर्स्ट टर्म पता नहीं है, फिर 38 है, फिर बॉक्सेस हैं, तीन बॉक्सेस और हैं, और फिर माइनस 22 है। तो सपोज़ हमको ये फर्स्ट टर्म नहीं है तो हम इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, और इस तरह से इस क्वेश्चन को जैसे बनाए हैं वैसे बनाते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, सपोज़ फिफ्थ टर्म हमको पता है माइनस 22, तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d इक्वल टू माइनस 22। अब क्योंकि हमने इसको पहले टर्म को छोड़ दिया है तो ये टर्म हमारा पहला टर्म हो गया, तो ये ए की जगह लिखेंगे 38 को आरजेस में ले जाएंगे, 4d इक्वल टू माइनस 22 माइनस 38, तो d का वैल्यू हो जाएगा माइनस 60/4 माइनस 15, ठीक है। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इससे और 15 पीछे चला जाएगा, ठीक है। हमको d पता चल गया है, तो सेकेंड टर्म 38 है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा a2 माइनस d, तो 38 से हम 15 माइनस करेंगे, 38 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 4, 5, 53। तो फर्स्ट टर्म हमको पता चला 53, यहाँ पर 53 आएगा, तो 1, 2, 3, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a का वैल्यू हमने निकाला है, अभी a का वैल्यू हम मान लेंगे 53 को, 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15, 53 माइनस 30 इक्वल टू 23, ठीक है। और फिर a4 इक्वल टू फिर 15 कम हो जाएगा क्योंकि d का माइनस 15 है, डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो इस तरह से, 23 में फिर 15 माइनस कर दो तो आएगा कितना आएगा, 5, 8, 2, 8 आएगा। फिर 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टर्म निकाल लो, फिफ्थ टर्म में फिर 8 में फिर 15 माइनस कर दो तो आ जाएगा माइनस 7, ठीक है। और सिक्स टर्म में फिर माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से सभी टर्म निकल गए हैं, फर्स्ट टर्म निकला 53, फिर a3 निकला 23, a4 निकला 8 और a5 निकला माइनस 7।